Hey guys, what's up? I'm myself Chetan presenting this lecture, and in this session we are going to cover the advanced to plan to cover advanced in the 22 and 24 days. तो चलिए गाइस, एक छोटी सी बात मैं बताना रह गया था पिछले लास्ट लेक्चर में कि अर्थमैटिक के लेक्चर में दैट वाज एक छोटी सी चीज़ और है गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, एक साइड नोट छोटी सी कॉपी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पेजेस की होगी, इवन हो सकता है 50-60 पेजेस की, एक छोटी सी कॉपी आप परचेज करके रखेंगे। आपको करना क्या है, लेट सपोज दो आप तीन काम करेंगे साथ में, तीन काम आपको करने क्या है, पहला तो यार आपने कोई भी चैप्टर जैसे पढ़ लिया, लेट सपोज मैंने चैप्टर पढ़ा, मैंने 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 कहाँ से देखे, मेरे क्वेश्चन आपने नोट्स देखे, एस एस भारती के नोट्स देखे, राकेश यादव के नोट्स देखे, राइट। अब बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो उस समय नहीं क्लिक कर रहे और आपको कोई सोल्यूशन को बताने वाला नहीं मिल रहा, तो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस क्वेश्चन को टिक मत करिए, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बदासट सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए उस कॉपी में। एंड बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व तो कर पा रहे हो पर आफ्टर, मतलब आपने सॉल्यूशन देखा है या उसके बाद देखा है, तो इट टुक योर टाइम, मतलब काफ़ी टाइम आपका ले लिया, तो उस क्वेश्चन को आप करेंगे क्या है, एक बार आप देख लीजिए, उनको भी टिक लगा लीजिए। अब बात करते हैं राकेश यादव 7300 की, तो बहुत बार क्या देखो, जब आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली है, जब 7300 लगा रहे हो, अब काफ़ी लोग कहते हैं 7300 को रिवाइज कैसे करें, अंतरराष्ट्र में 7300 को कम से कम लोग बस 6-6, 5-5 बार रिवाइज करके जाते हैं। वो रिवाइज करते कैसे, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। पहली बार लोग गलतफहमी होती है कि पूरी बुक पढ़ते पढ़ते नहीं है, देखो करते क्या है, एक बार तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई पूरी की पूरी, एक बार तो आपको हर क्वेश्चन को लगाना है उसके। अब होता क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, चलिए टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने स्टार्ट किया, लगाते 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 गया मैं अटका, जैसे 6 क्वेश्चन पर अटका, 7th पर अटका मैं, 12th पर अटका, 20 पर अटका, 17 पर अटका, 91 पे, मैंने 10 क्वेश्चनों पर अराउंड अराउंड मैं अटका, अटका आई मीन मतलब मेरे से पहली बार में नहीं हुए, मेरे को सोल्यूशन देखना पड़ा, या सोल्यूशन नहीं देखना पड़ा तो मुझे दूसरी तीसरी बार अटैम्प्ट करना पड़ा, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो अब करना क्या है, इन क्वेश्चन पर गोला लगा देना है। गोला क्यों लगा देना है, और कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है अच्छे लगे यार, कि दिल छू जाता है ना कि यार ये क्वेश्चन तो मजा आ गया, मैंने वाकई में अच्छा था, उन पे भी आप गोली लगा लीजिए। तो हार्डली हर टॉपिक में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन आप ले सपोज करिए, टाइम एंड वर्क में 100 क्वेश्चन थे, तो अराउंड एंड अराउंड आप 12-20-25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों पर टिक लगाएंगे, 25 पे लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है 200 में से 25 क्वेश्चन पे लगा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो बुक रिवाइज करेंगे, आपको पूरी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी है, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। अब वो 25 क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे तो हो सकता है उसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन ही बचेंगे, समझ रहे मेरी बात, हो सकता है आपसे आपकी बात सारे क्वेश्चन हो जाए, 1-2-4 क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप उनको टिक लगाएंगे, समझ रहे मेरी बात। अब थर्ड टाइम आपका जो रिवीजन होगा बस उन उन क्वेश्चन का होगा, तो बुक ऐसी रिवाइज लगती है, एक बार आपने थर्ड टाइम 3 बार आपने रिवाइज लगा ली, अब फिर आप दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्टिंग आप दोबारा से करेंगे अगर टाइम परमिट्स करता है तो, नहीं तो आपको 2 बार रिवीजन तो इस तरीके से करना है कि एक बार आपने लगा लिया, सेकंड टाइम आपको सारे क्वेश्चन रिवीज नहीं करने हैं, क्योंकि मैं अगर टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ, जैसे राकेश यादव की बात करता हूँ, किरण की बात करता हूँ, अराउंड अराउंड 300-400 क्वेश्चन है, अगर आप 300-400 क्वेश्चन अगर बार बार लगाने लगे तो आपका पूरा दिन तो उसी में निकल जाएगा। तो चलिए, तो ये तो बात हो गई नोट्स की, और प्लीज़ मेक श्योर अपने खुद के नोट्स फोल्डर पॉइंट्स प्लीज़ बनाते रखिएगा, क्योंकि यही है जो एग्जाम के एक दिन में पहले रिवाइज करेंगे। अब होता क्या है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप पूरे के पूरे नोट्स, मेरे वीडियो लेक्चर नोट्स, एस एस भारती नोट्स, क्लास नोट्स, सब इतना सारा सब कुछ हो जाएगा, वो तो रिवाइज कर नहीं सकते। आपको करना क्या है, अपने नोट्स उठाने, शॉर्ट नोट्स हर टॉपिक के, हर टॉपिक के मतलब टारगेट होना चाहिए कि मैं हर टॉपिक को जो मैंने पढ़ा है 2 से 3 चैप्टर 2 से 3 पेजेस में मैं ला दूंगा, कैसे भी करके ला दूंगा मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी लिख लीजिए छोटा सा करके, शॉर्टकट में उस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप थी, नहीं समझ में आ रहा मैंने रट लिया स्टेप को रट लिया है, क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता चल गया ज्योमेट्री में एक ऐसा क्वेश्चन आता है यार ये समझ में मेरा हमेशा गलत होता है, बस उसको भी बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूँगा। देखो जुगाड़ देखना है आपको एसएससी में आंसर निकालने के लिए, राइट, तो चीज़ों को रटिए बहुत से क्वेश्चन, और हाँ बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कि यार ये क्वेश्चन मेरा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग लेगा ही, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं 2 से 3 मिनट ले जाऊंगा अपनी, वेस्ट कर जाऊंगा, तो यार एग्जाम में 2-3 मिनट वेस्ट नहीं करनी, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और रट लीजिए, समझ लिए। ऐसा क्वेश्चन एक रेस में एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, 2014 में आया था उस क्वेश्चन को, यार एक टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है एक, एंड वो दोनों क्वेश्चन कम से कम आप कितनी बार भी करवा लीजिए, किसी से भी करवा लीजिए, इवन मैं ट्रस्ट में गारंटी दे रहा हूँ आपको, वो 1.5 या 2 मिनट से बंदा कम नहीं लेगा, इवन कितना बड़ा धुरंधर हो वो 1.5 मिनट से कम नहीं लेगा उन क्वेश्चन को। तो उनका शॉर्टकट क्या निकाला है दुनिया ने, कि उनको रट लेती है आंसर्स को, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने अपने बेसिकली बार फ्रेंड से पूछा था, डायरेक्टली आई वॉज आस्किंग दैट क्वेश्चन, उन्हें सडनली आंसर बोला था, आई आस्क यार कैसे, तो शी ही सेड की एक्चुअली शी सेड की लाइक नहीं मैंने रट रखा है क्वेश्चन। तो यही बात है कि आपको अप्रोच क्या अपनानी है, एंड ही स्कोर्ड लाइक 190 प्लस समथिंग मार्क्स, तो देखिए तो चीज़ें यही है, और उन्होंने भी हार्डली यही मेथड फॉलो किया था, 2 महीने 2.5 महीने ज़्यादा ज़्यादा पढ़े, एंड शी वाज फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, तो उनके भी इतना टच में नहीं थी ये चीज़ें, पर एंड ट्रस्ट मी उन्होंने भी ऐसे स्कोर कर सकते हो आप चीज़ें।
चलिए पहले सब्जेक्ट के मेटेरियल्स की बात करते हैं। एस एस भारती अगेन कॉमन बुक्स वही लेनी है, एंड एक सक्सेस मंत्रा की बुक आती है, अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो बेटर है। 90 रुपीज़ की बुक है एंड ट्रस्ट मी एज माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। इन्होंने कोई फर्जी अपने फर्जी दिखावा नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे शॉर्टकट्स बताए हुए, इवन एक्सप्लेन भी किया हुआ है शॉर्टकट्स को, मतलब ही जस्ट के कहते हैं ना कि हिट डील है आपके लिए। कोस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करो दिस इज़ अ अल्टीमेट बुक राइट। 80 to 90 रुपीज़ में आपको चीज़ें इतनी अच्छी प्यारी बता देगा ये। बस प्रॉब्लम ये थी कि मेरे टाइम पे जब वैन आई प्रिपेयरिंग तो मेरे को टाइम पे मेरे को हिंदी में मिली थी बुक, तो मैं हिंदी स्टूडेंट्स को तो स्पेशली प्रेफर करता हूँ ये बुक की आप ले ही लीजिए। अगर इंग्लिश में ये बुक है अवेलेबल तो प्लीज़ ले लीजिएगा, एनीवन लेट मी नो दैट ठीक है। तो चलिए राकेश यादव वो रूट्स आपने ले रखे हैं, 7300 एन किरण आपके पास है ही, बस एक एक्स्ट्रा स्टफ मैंने बताया, अगर ले सके आप पॉसिबल है तो ले लीजिएगा, नहीं तो एल्स कंपल्शन नहीं इतना ज़्यादा ठीक है। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी, अगेन आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी क्यों फॉलो करनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी एडवांस एनसीईआरटी से बेटर दुनिया में कोई नहीं समझा सकता आपको ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर आप क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 and 9 उठाना है, एंड अब वंस यू डन विद दिस थिंग तो आपको क्लास 9th के चैप्टर 4th उठाना है, एंड जब आप जब कर लिए ये दोनों आप टॉपिक से डन हो जाएंगे देन आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 उठाना है। तो 8, 9, 10 तीनों की बुकें पीडीएफ से उठानी है, दोबारा पीडीएफ पढ़नी है आपको, डाउनलोड नहीं करनी, मैंने बता दिया पार्शल ऐप या फिर पीडीएफ अवेलेबल है। जब आप इन तीनों से हो जाएंगे डन, आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एसएस भारती के नोट्स नहीं उठाने हैं आपको, बिल्कुल नहीं उठाने। आपको करना क्या है, सक्सेस मंत्र, या तो आपको सक्सेस मंत्रा बुक करनी है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, दो ही चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, या तो आप सक्सेस मंत्रा बुक से पढ़िए ठीक है, अगर आपके पास है तो उसके एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए, या फिर आप राकेश यादव क्लास नोट्स उठाइए। मेरी माने तो अलजेब्रा में आकर अगर आप पहले आपने सक्सेस मंत्रा के क्वेश्चन कर लिए तो आपको राकेश यादव के नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये नहीं उठाया तो आप इनको उठा सकते हैं ठीक है। एंड देन वंस यू डन विद दिस थिंग तो प्रैक्टिस करिए, लास्ट के एक दिन बैठ के किरण के बहुत रिगरस प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन है 200 300 400 सारे के सारे लगा डालिए, एंड इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 4 से 5 दिन लगेगा। मैंने सारे टाइम इंक्लूड कर लिए, मैंने एक दिन ये वैसे तीनों चीज़ मिला के एक दिन की है एनसीईआरटीज, क्योंकि 8th 9th 10th बचपन में पढ़ते थे, बड़े प्यार से हो जाएगी एक दिन में, पर फिर भी मैं अगर कह रहा हूँ चलो 2 दिन मैंने इसमें लगा दिए, एक दिन आपने नोट्स या फिर सक्सेस मंत्रा में लगा दिया तो चौथा दिन आपका इसके लिए बचेगा। तो ट्रस्ट में 4 दिन बहुत मोर देन है ना, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा डे लेकर चल रहा हूँ, चलो 5 डेज मान लिया ठीक है। तो चलिए एंड नाउ कम टू द ज्योमेट्री, एंगल, साइड, बाइसेक्टर, ईटीसी, वीटीसी, जितनी भी चीज़ें आती है इसमें, सर्कल वर्कल फलाना ट्रायंगल व्रैंगल राइट। तो काफ़ी लोग यार ये टॉपिक एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको इसमें, आप डायरेक्टली अगर मैं बोलता हूँ कि यार आप एक काम करिए राकेश यादव सर के नोट्स उठा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है, एब्सोल्युटली वेस्ट है। अगर मैं बोलता हूँ कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स उठा लीजिए, ट्रस्ट मी एब्सोल्युटली वेस्ट है, नहीं करना है। ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी, रिगरस प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली यू आर डन, मतलब यू आर ऑलरेडी डन विद द बेसिक्स, तो आप उठा सकते हो, कोई इशू नहीं, बेसिक्स आपके कंप्लीट है तो आप करिए, पर नहीं है तो गाइज मैं बता रहा हूँ उनकी बात। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखा जाएगा, एक दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया है इसके लिए, इसके लिए 6 दिन एंड 1 दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए कि गाइज थोड़े टाइम से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है ठीक है, आ रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सॉरी इसकी बात करते हैं हम, ज्योमेट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिल जाएगी एनसीईआरटी में। तो देखिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर 6, 7, 8 और 10, चारों के चारों चैप्टर बहुत बेसिक तरीके से डेरिवेशन के साथ समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन के साथ समझेंगे, क्यों समझेंगे वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप जब डेरिवेशन कर लेते हैं पूरे के पूरे एक बार, तो एक काम करिएगा 2016 का मेंस का पेपर उठाइए 1 दिसंबर का, देन आप मेरे को थैंक्स बोलेंगे कि यार सर 4 के 5 क्वेश्चन इधर डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया इन्होंने, जो डेरिवेशन है एनसीईआरटी में वो के वही थ्योरम है, जो डेरिवेशन थ्योरम प्रूव करिए वो उन्होंने डायरेक्ट पूछी है कि यार ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ये होता क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन को घुमा के। तो डेरिवेशन प्लीज़ कर लीजिएगा, ज्योमेट्री की डेरिवेशन काम आती है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस यू डन विद दिस आप एक काम कर सकते हैं, बेसिक्स अगर आपको अभी भी डाउट है, क्लियर नहीं हुआ है, तो देखो दो चीज़ कर सकते हैं आप। मैंने बोल दिया कि राकेश यादव सर के नोट्स बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको ज्योमेट्री में पढ़ने में, तो आप दो काम करेंगे, या तो आप धीरज सिंह चौहान एक उनकी एजुकेटर एंड अकेडमी पे, इन्होंने काफ़ी एक अच्छा प्यारा कोर्स बना हुआ है ज्योमेट्री पे, फ्रॉम बेसिक फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच से बताया हुआ है, तो आप या तो उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, या वॉट यू कैन डन धीरज सर के चौहान के साथ साथ करते टाइम, ऑब्वियसली टाइम है आपके पास तो आप ये तो करेंगे ही, एंड साथ के साथ में आप एस एस भारती के नोट्स भी देख सकते हैं ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, सपोज आपको धीरज सिंह चौहान के वीडियो लेक्चर्स पसंद नहीं आ रहे या नहीं समझ में आ रहे, तो इन प्लेस ऑफ दैट आप एक काम और कर सकते हैं, ऑनलाइन गुरुजी का चैनल हो रहा है यूट्यूब पे, आप उनके लेक्चर्स भी एक बार देख सकते हैं, वो बेसिक्स है पर वो बहुत स्लो चलते हैं, लाइक नींद आने लग जाती है, वो इतना स्लो चलते हैं, तो पर फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लेक्चर्स है, वन ऑफ द बेस्ट इन अवेलेबल इन द मार्केट। एंड नाउ प्रैक्टिस की बात करते हैं, अगेन सेम है राकेश यादव 7300 या फिर किरण प्रीवियस ईयर,
कोई भी एक। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D। देखिए 3D पे इतना टाइम लगता नहीं, 3D का क्वेश्चन अच्छा आता है, पर 2D पे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, 2D पे आपका बेस मजबूत बनना चाहिए। 2D पे मैंने टाइम दिया है दिनों के लिए, 4 दिन 2D के लिए और 3 दिन 3D के लिए। आप इवन साथ ही जगह 8 दिन ले लीजिए, कोई इशू नहीं, जिसमें 5 दिन आप 2D के लिए रख लीजिए, एंड इवनिंग 3D आप 3D के लिए रख लीजिए, और आप कम भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से 7 से 8 दिन ज्योमेट्री के लिए बहुत होते हैं, इस काइंड ऑफ मोर देन एनफ। ठीक है, अब 7 घंटे का मतलब ये नहीं कि यार मैंने बोल दिया कि 7 दिन तुम पूरे पूरे दिन मैथ ही मैथ पढ़ते रहना है। हाफ डे आप मैथ के लिए कर लीजिए, हाफ डे अपनी इंग्लिश के रख लीजिए या जो भी रख लीजिए, पर आप 2 सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिन में तो आपको मोस्ट वोटेज, जब मैं मैथ की बात कर रहा हूँ तो 90% 80% टाइम आपको मैथ में देना है पूरे दिन का। चलिए तो बेसिक्स की बात करता हूँ मैं, तो NCERT क्लास 8 तो उठानी है आपको, उसका चैप्टर उठाना है 3 एंड 11। यहाँ तो आपको मेंस्ट्रुएशन के आपके 2D वाला काम आपका खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आप करेंगे क्लास 9th का चैप्टर, चैप्टर 9, 12 एंड 13, एंड देन उसके बाद करेंगे क्लास 10th का 13 चैप्टर। तो ये तीनों चैप्टर आप खत्म कर लेंगे तो ट्रस्ट मी मेंस्ट्रुएशन के आपकी 80% चीज़ें थॉट्स मतलब पूरे के पूरे बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। एक बार आप बेसिक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ पर आप टिक मार्क लगा लेंगे, नोट्स अपने बनाते रखेंगे, देन उसके बाद आप SS भारती के नोट्स लगाएंगे, तो ट्रस्ट मी आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन NCERT से उठाए हुए हैं। तो यहाँ आपके ख़त्म हो जाएगा जो आपका भारतीय जो मेंस्ट्रुएशन है वो आपका ख़त्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप इसमें 2 दिन लेते हो तो ट्रस्ट मी आधा दिन भी नहीं लेंगे आपके, क्योंकि जो आपने बेस स्ट्रॉन्ग करना तो आप कर चुके हो। SS भारती के नोट्स बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए माने जाते हैं, तो जो आप ऑलरेडी बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हो तो ऑब्वियसली तो इतना टाइम लगने वाला नहीं है इसमें। देन आप जब इन तीन दोनों तीनों चीज़ों से कर ले, जब आप इसको भी कर ले इसको भी कर ले, तो ये मस्ट है स्टार लगा लीजिएगा राकेश यादव सर नोट्स के 2D और 3D वाले क्वेश्चन। बहुत कम है, 20 क्वेश्चन अराउंड 2D में है, एंड 3D में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, 30-35, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 40-50 क्वेश्चन है ट्रस्ट में। ज़्यादा ज़्यादा अगर मैं एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी लेता हूँ तो फिर भी कितना लिया आपने, अगर 5 क्वेश्चन को लेता तो 250 मिनट, चलो 6 मिनट भी ले लीजिए, तो 4-5 घंटे में आपने पूरा खत्म कर दिया नोट बहुत अच्छे से समझ के। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो पूरा रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, एंड देन नेक्स्ट डे आप करेंगे 7300 और किरण प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, एंड अल्टीमेट हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुएशन। चलिए एंड नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री है, 5, 5 से 6 दिन आपको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ से करना है, NCERT का क्लास 10th का चैप्टर उठाना है, चैप्टर 8 एंड 9, वहाँ से आपको ये पढ़ना है बेसिक्स। एंड इधर आप अगर इस ट्रिग्नोमेट्री में बात करता हूँ, वंस यू डन विद दिस थिंग, आप SS भारती के क्लास नोट जरूर पढ़ेंगे, समझ रहे, SS भारती के क्लास नोट प्लीज़ पढ़ेंगे। जब पहले आप 2 या 3 दिन इन्हीं पे दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ 2-3 दिन इन्हीं पे दीजिए अच्छे से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपके पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देन फिर हम बात करेंगे जुगाड़ की। तो जुगाड़ के लिए गाइस देखिए पहले तो बेसिक्स की बात करूँगी, जुगाड़ नहीं है, दोनों बेसिक्स है, तीनों के लिए मैं बेसिक्स कह रहा हूँ। आप इनमें से एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आपका SS भारती के नोट्स देखने का मन नहीं कर रहा तो इन प्लेस ऑफ दैट आप या तो ऑनलाइन गुरु जी के लेक्चर देख सकते हैं, या सिद्धार्थ गुप्ता ने करने अकेडमी पर काफ़ी अच्छे लेक्चर बनाए हुए, इन तीनों में से ऑप्शन आपके पास, भारती, सिद्धार्थ गुप्ता, ऑनलाइन रेजी, तो बेसिक्स में से आप तीनों में से कोई भी एक देख लीजिए, एक चीज़ देख लीजिए बस, मोर देन एनफ है। पर मेक श्योर NCERT जरूर करेंगे, 100% करेंगे, एंड जना आप इनसे डील कर ले 2 या 3 दिन के अंदर, तो आपको आना है 4th दिन या 3rd दिन राकेश यादव क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट है ट्रिग्नोमेट्री के केस में, क्योंकि जुगाड़ आप यहीं से सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप थीटा वैल्यू डालते हैं या बेसिक से करते हैं तो कोई मतलब नहीं, आपको जुगाड़ देखना है कि यार ठीक है मैं ऑप्शन को उठाऊं कैसे, पिक कैसे करूं। पर बेसिक्स इसलिए कि समटाइम क्वेश्चन अगर फंस जाता है तो बेसिक हमें हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इन द लास्ट यू अगेन 7300 राकेश यादव, 7300 और किरण प्रीवियस ईयर। वंस यू डन विद दिस थिंग, तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आउट ऑफ 250 जो 44.67% रिप्रेजेंट करते हैं पूरे कोर्स का, आउट ऑफ 50 200 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ दिस इज द मिनिमम मार्क्स 200+ है, दिस इज माई गारंटी। पर जैसा मैंने फॉलो किया आप अगर वो फॉलो करेंगे तो मैं इस बात की लिख के गारंटी देना तैयार हूँ। अगर आपने एक एक क्वेश्चन किया है जैसे मैंने जेन्युइनली बोला है, जैसे मैंने पढ़ने को जेन्युइनली वो चीज़ें बात बताइए, अगर आप पढ़ ले तो आपके 200 मार्क्स+ 100% 200 मार्क्स है आपके प्रियो मेंस मिला के आउट ऑफ 250 मिनिमम बोल रहा हूँ। ये मत बोलिए कि इतना पढ़ने के बाद भी 250 नहीं आ रहा, इवन यू कैन स्कोर दैट प्लस, पर उसमें रिगरस प्रैक्टिस और चाहिए। तो ये 45 डेज की प्रैक्टिस आपकी, 45 डेज की प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ, मैक्स 45 डेज लगेंगे मैथ को करने में। तो गाइस 2 महीने का आप टारगेट भी अगर लेके चलते हैं ना SSC की प्रिपरेशन के लिए, 2 से 3 महीने का, तो 3 महीने भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है कि 2 महीने। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स, अगर प्लीज़ फॉलो करिएगा और रिकमेंड करिएगा दोस्तों को, प्लीज़ रेट एंड रिव्यू जरूर करिएगा कोर्सेज को अगर आपको पसंद आ रहे हैं। एंड चलिए ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप प्रिपेयरिंग फॉर 2018, 2019 एंड 2017 एज वेल, दिस इज द बेस्ट फॉर यू गाइस। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।